एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज से मैं आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाऊंगी, जिसमें कॉमर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आज की इस क्लास में वो मोस्टली अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास सभी के लिए है जो टीजीटी पीजीटी DSSSB जिस भी एग्जाम में कॉमर्स आता है, वो सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आप डेली यहाँ पे क्लासेस चलेगी, जिसमें मैं आप लोगों को कॉमर्स की क्लास लूंगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो गुड मॉर्निंग है जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग है। तो आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है जल्दी से, तो फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस के करीब लाई हूँ, जो कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मल्टीपल एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ। साथ ही साथ जो ऑप्शंस नहीं होंगे उसको भी बताएंगे, कौन सा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है उसको एक एक ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करते रहेंगे साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन करिए और देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिशिएशन, इज यूज फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग। क्या कह रहा है कि लेखांकन के किस लेखांकन प्रमाण का प्रयोग किया जाता है, हास का पूछा जा रहा है, किसका आपको बताना है कि डेप्रिशिएशन कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। देखिए आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, मोस्टली आपको 15-16 तक पूछे ज्यादा जाते, 20 तक के पूछे जाते, टोटल तो 30 समथिंग है। तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी टीजीटी में तो एक दो पूछे जाते, बट मोस्टली पीजीटी में ये इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली कितनी बार आ चुका है। तो चलिए, तो पहला अगर पूछा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिशिएशन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। बट आप लोग बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्कंद लेखांकन से रिलेटेड है, कौन, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट अगर आ जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोगों को सारे पता होने चाहिए। तो AS5 किससे रिलेटेड है, बिल्कुल लाइव क्लास है, गुड मॉर्निंग है जो भी जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग है और ये लाइव क्लास है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसको, ठीक है, विनियोगो बोला जाता है हिंदी में। आप लोगों को इंग्लिश के टर्म्स पता रहेंगे तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी मोस्टली, ठीक है। तो चलिए बताइए यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई है। देखिए सारे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। इसमें पूछा गया था कि डेप्रिशिएशन से कौन रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। बट आपसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पूछा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते रहेंगे मैं आप लोगों को एक एक करके बताती रहूंगी, ताकि आपको सारे ऑप्शन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से याद हो जाए। चलिए तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल कंप्लीट होगा प्रवीण कुमार, आप
बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस होगा सारी। अभी तो फर्स्ट क्लास है जिसमें पहले अकाउंटेंसी का लिया गया, धीरे धीरे आपकी इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपकी सारी सारी चीजें आप लोगों को आना शुरू हो जाएगी। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट्स बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, बताना है आपको कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑनर और मैनेजमेंट का डिफरेंस है, बताइए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर गोइंग कंसर्न, डुअल एक्सपेक्ट या नन ऑफ दिस, बताइए कि कौन सा है। लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है, कौन करता है बताइए। ऑनर और मैनेजमेंट में कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करता है, ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए और जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, देन मैं उसके बाद बताऊंगी। प्रवीण कुमार का आंसर आ रहा है बी और आदित्य अली का ए, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी हो जाएगा, व्यवसायिक अस्तित्व, ना ही ये गोइंग कंसर्न ना ही ये डुअल एक्सपेक्ट की बात है। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा प्रिंसिपल ओनर और मैनेजमेंट में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। बिजनेस और बिजनेसमैन में, ओनर और मैनेजमेंट में, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल सही आया है आदित्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कब इशू किया गया था, और आप ये भी बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब उसकी स्थापना भी कब हुई थी। आईएसबी का भी बताएंगे, साथ ही साथ आप लोग इसका भी बताएंगे, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका भी बताएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसमें दिया है, पहला दिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन हमारे इंडिया में कौन इशू करता है, ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। आपके पास देखिए ऑप्शन दिया है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कौन करता, आईसीएआई करता, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और आपसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पूछा जाएगा, एएसबी पूछा जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पूछा जाएगा, तो आपका होता है इसकी स्थापना 1977 में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये डेट भी सन पूछा जाता है। बिल्कुल सही आया है प्रवीण का, सही है बिल्कुल आपका आंसर, राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमारे इंडिया में कौन इश्यू करता है, तो आईसीएआई करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का 1977 में हुआ था, बिल्कुल सही। आप लोग भी क्या किया करिए, कमेंट में लिखा करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे डेट्स तो लिखेंगे कमेंट में, तो आपको वो लर्न होता हुआ जाएगा। आप आंसर्स बताइए, उसके आंसर्स को आप टाइप भी कर दीजिए, टाइप कर देंगे तो आपको भी याद रहेगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, आईसीएआई का क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ऑड वन, आपको इसमें से बताना है कि ऑड कौन सा है, ऑड बताना है मतलब कि इसमें से जो फोर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से क्या होगा, तीन सही होंगे एक गलत होगा, तो आपको वो ऑड ही फाइंड आउट करना है, बताइए क्या। बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज एसेंशियली अ क्लैरिकल एरर, बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल, बुक कीपिंग ओनली कंसिडर मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, आपको इसमें से बताना है ऑड वन बताना है। प्रवीण का आंसर आ रहा है सी, देखिए अब मैं बताती चलती हूँ। देखिए कह रहा है कि जो बुक कीपिंग है उसका लिमिटेड स्कोप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं, देन लास्ट में क्या करते हैं, समराइज करके इंटरप्रेटर करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटेटिंग, ये भी ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बुक कीपिंग इज एसेंशियली अ क्लैरिकल वर्क, ये बात बिल्कुल सही है, साथ ही साथ ये भी किया जा रहा है कि पहले हम रिकॉर्ड करते हैं,
रिकॉर्डिंग होती, देन क्लासिफाई करते, फिर सबको समराइज करके फिर इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। ये कह रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल, बिल्कुल सही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बुक कीपिंग क्या करता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है, ये भी ठीक है। बट आप यहां देखिए क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग हैपेंस आफ्टर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बात उल्टी कही गई है। बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, बुक कीपिंग एंड होगा तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू होगा, ना कि ये होगा, सारी चीजें होगी जनरल लेजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखिए ये बात स्टेटमेंट अगर लिखा होता कि ये उल्टा दे दिया गया है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड्स देन अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात उल्टी लिखी गई है, ये बिल्कुल उल्टा लिखा है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, जिसमें से आंसर आप लोगों का आया है, आदित्य अली का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है काफी एग्जाम्स में और ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब बुक कीपिंग खत्म होता है फिर अकाउंटिंग की प्रोसेस शुरू होती है, ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म होता है देन बुक कीपिंग शुरू होता है। तो ये बात उल्टी लिखी हुई है, अगर ये सही होता, रिवर्स लिखा होता देन ये सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। देखिए आपको बताना है कि 19 कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, साथ ही साथ आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बताने हैं। देखिए ईपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। देखिए अब बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है, पट्टे से, लीजेस से, डिस्काउंटेड ऑपरेशन, बंद की गई क्रियाओं से, इनटेंजिबल एसेट से, किससे है, आप लोग जल्दी से बताइए कि ये किससे है। आप लोग आंसर दीजिए देन मैं इसका आंसर बताऊंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आदित्य बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, पट्टे से रिलेटेड है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये सारे पता होने चाहिए आप लोगों को, सभी पता होने चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूं कि अगर आपसे कहा जा रहा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, बंद की गई क्रियाओं से, तो ये आपका है AS, ये आपका AS 24 है, क्या है, AS 24 है। और आपसे पूछा जाएगा इनटेंजिबल एसेट फॉर क्या है, तो AS आपका 26 है, और EPS अर्निंग पर शेयर, तो आपका AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है। तो देखिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। हाँ आप लोग ने राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है, प्रवीण का भी आंसर आया है बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ EPS बिल्कुल आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 बंद की गई क्रियाओं से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इनटेंजिबल जो कि अमूर्त होती है जैसे गुडविल वगैरह, ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होती है, तो ये रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से। EPS अर्निंग पर शेयर, दिस इज रिलेटेड टू AS 20। ऑलराइट, हाँ ठीक है, सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद होते तो आप लोग क्या करिए, टाइप करिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूं आप लोग भी आंसर्स को टाइप करते रहेंगे ना, तो आपको याद होते रहेंगे, क्योंकि याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात इसमें से ट्रू नहीं है, देखिए कौन सी बात इसमें से ट्रू नहीं है वो बताना है। The job of bookkeeping is analytical in nature. क्या ये analytical in nature है? पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। Next कह रहा है, bookkeeping is an art as well as science of recording business transaction. ये बिल्कुल सही कहा गया है कि bookkeeping क्या है, एक art है, एक science है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, business के transactions को record करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। अब कह रहा है कि देखिए ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डेड है कुछ सर्टेन बुक्स के लिए, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में
अभिलेखित किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स बुक। बुक कीपिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स की बुक को, बिल्कुल। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेख करने की विधि है, ये भी बात बिल्कुल सही। तो पहला आप स्टेटमेंट देखेंगे, नहीं डी आप जो लोग भी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो बुक कीपिंग है वो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक है, नहीं ये विवरणात्मक है, ठीक है, जिसको बोला जाएगा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ना कि एनालिटिकल इन नेचर। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही आपका सही भी चला जाएगा। प्रवीण का बिल्कुल सही आया है ए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बुक कीपिंग एनालिटिकल इन नेचर नहीं हो जाएगा, यहाँ ट्रायल बैलेंस होता देन सही होता, बट यहाँ पे कह रहा है कि बुक कीपिंग है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, क्या है, विवरणात्मक, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्लियर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, बताइए कि कर निर्धारित वर्ष शुरू होता है, ये तो सबसे सिंपल है, बताइए कब कब डेट आपको बताना है, किस महीने से शुरू होता है और महीने की डेट भी बतानी है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से स्टार्ट स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों बता दीजिए। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंट असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है तो आपका कब, फर्स्ट अप्रैल से आपका क्या होता है कर असेसमेंट की ईयर की शुरुआत होती है और एंडिंग कब होता है 31 मार्च हो जाएगा आपका, ठीक है 31 मार्च। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आ रहा है अरुण का, आप सभी लोगों का आंसर बहुत बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोनों चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, देखिए अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें नेम पूछा गया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किस किस से रिलेटेड है, और साथ ही साथ आप सारे बताएंगे, हाँ एंड विद 31 मार्च, बिल्कुल सही है। तो और बाकी के भी आप बताएंगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डेप्रिशिएशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, सारे बताएंगे आप लोग। सिक्स आपको सिक्स बताना है, ओके देखिए आपका आ रहा है फिक्स एसेट्स, बिल्कुल गलत है, जो भी ए कर रहे हैं उनका गलत है, ए हमारा जो फिक्स एसेट्स का है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ठीक है, हमारा अगर आपसे पूछा जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, और अभी मैंने आपको इससे पहले भी गुडविल का बताया था जो कि इनटेंजिबल का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ठीक है, और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ये तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1 है, बट आपका अभी किया था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिशिएशन से ही मैंने आप लोगों को करवाया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो हमारा डेप्रिशिएशन से रिलेटेड है, जिसमें अरुण चौधरी का अब सही आया है, ठीक है, याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए इनटेंजिबल पूछा गया था तो गुडविल भी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है, गुडविल हमारी इनटेंजिबल होती है, तो इनटेंजिबल पूछ ले तो भी AS 26 है, ऑलराइट AS 26 है, और ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ठीक है, और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, फिक्स एसेट्स 10 है, आप लोग उसको बोलिए, रिपीट करिए, तभी आपको जाके याद होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे, ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, अकाउंट फिक्स एसेट से रिलेटेड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, गुडविल इंटेंजिबल 26 और आपका डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 21। देखिए AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है, बताइए किससे तैयार करना होता है,
ऑप्शनल वैकल्पिक हो जाएगा, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग बस लगाइए और आप इसका आंसर करेक्ट बता ले जाएंगे। नेक्स्ट, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज या फिर सभी कंपनी के लिए अनिवार्य है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है, बताइए किसके थ्रू तैयार करना होता है। ओके ओके, आप जाइए। ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो आपने बताया कि सभी के लिए है, अरुण अरुण का मैसेज आया है डी है, सभी के लिए है, जी नहीं, सभी कंपनियों के लिए नहीं है, सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, ना ही वैकल्पिक ना ही प्राइवेट लिमिटेड के लिए है, सिर्फ ये सिर्फ जो लिस्टेड है उन कंपनीज के लिए है। और अभी तक आंसर नहीं आया है आप लोगों का, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मैंडेटरी किसके लिए, सिर्फ लिस्टेड कंपनी, सभी के लिए नहीं और ना ही प्राइवेट के लिए है, ठीक है। ये याद रखिए किसके लिए है, सिर्फ आपके लिस्टेड कंपनीज के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी स्पेशली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्शन इन कॉम्प्लीमेंट्स विद AS 3। देखिए इससे आपको ये चीज याद होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा कैश फ्लो से है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो वो कैश फ्लो से रिलेटेड है। तो इसके थ्रू आपको ये मतलब ये ध्यान में रखना है, इसमें लिखा हुआ है, ये भी आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो आप ऐसे एक नंबर की आपको चीज यहाँ याद हो जा रही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कह रहा है कि कौन से मद्दे के AS 3 के अनुपालन में तैयार किए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप में समाविष्ट होती है, बताइए विशेष रूप से किसमें समाविष्ट होती है। आदित्य का सी आया, ऑप्शन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन होना, या फिर एक्वायरिंग एसेट्स थ्रू द लीज, संपत्ति को पट्टे पर प्राप्त करना, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारी रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यही आपका, अगर थोड़ा भी आप लॉजिक कभी कभी यूज करेंगे तो आप राइट आंसर पे बहुत ईजिली चले जाएंगे, जो कि आदित्य का बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद देखिए कैश फ्लो की बात हो रही है, ये पहले तो ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो कैश फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। देखिए आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या है कि भविष्य में होने वाले लाभियों का व्यवस्था कर ले, पहले से ही कर लेना चाहिए। मतलब कि ये हमें सोच लेना है कि अगर भविष्य में हमें लॉस होना है तो उस लॉस को पहले से ही हमें उसके बारे में सोच लेना है। तो यही हमारा क्या होता है, प्रूडेंस। पर भविष्य में होने वाले लाभ का कोई नोट डाउन नहीं होगा, बट भविष्य में होने वाले अगर हमें लग रहा है कि भविष्य में होने वाले हानियां होगी तो उसको पहले से ही उसकी व्यवस्था कर ली जाए, ही हमारी प्रूडेंस प्रिंसिपल है। तो आपको बताना है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में कौन सी बात सही कही गई है। अरुण चौधरी का आंसर आ गया है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, बहुत अच्छा, भावी हानियों को ध्यान में लेना, जो हमारे फ्यूचर में लॉसेस होने वाला है उसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही। टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर, देखिए फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं करना है, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं करना है। टेकिंग केयर ऑफ बैड डेब्ट्स, बिल्कुल नहीं, टेकिंग केयर ऑफ, आपका राइट आंसर हो जाएगा टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस। ऑलराइट, क्लियर है, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन इंडिया, देखिए फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडेंस ऑफ AS 3। अभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा
तो अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि AS3 किससे रिलेटेड है, आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताना है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अभी आप लोग ने ध्यान से सुना होगा तो आंसर आप बता पाएंगे, इससे पहले कि क्वेश्चन में ही आपका ऑप्शन दिया हुआ था, बिल्कुल सही आया है कैश फ्लो, बिल्कुल सही आया है कैश फ्लो। देखिए अभी अभी किया था हम लोग ने, जस्ट देखिए बताती हूँ, देखिए क्या लिखा है, AS3 किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो से, बस आपका आंसर यहाँ पे आ गया, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर अभी आप लोग ने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि ASB की स्थापना कब हुई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1970, 1972, 1973 या फिर आपका 1977, जल्दी से आप लोग बताएंगे, बहुत इजी है, जो भी क्लास में देख रहे होंगे स्टार्टिंग से वो जरूर इसका डेट बता देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का भी बताया था, उसका मैंने आपको 1949 बताया था, और अब आपको बताना है कि ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का बताना है, बिल्कुल सही आया है आदित्य का 1977, ठीक है, ऑलरेडी मैं ये बता चुकी थी। तो देखिए क्लास को आप बिल्कुल अटेंटिवली अच्छे से सुनेंगे देखेंगे तो आपको, अभी आपने वहां पे पढ़ा यहां पढ़ रहे, तो जब चीजों को डबल बार आप रिपीट कर लेंगे तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से चला जाएगा। नहीं नहीं मेबी वाला कोई सीन नहीं, आपको याद रख कर लीजिए, 1977 हो जाएगा। ऑलराइट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है पुष्पालन। देखिए परिभाषाएं भी पूछी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिन्होंने दी है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बताइए कि पुष्पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। देखिए ये स्टेटमेंट किसने दिया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इज मॉनिटरी टर्म्स। चलिए बताइए किसने दिया है, स्पाइसर एंड प्लेगर ने दिया है, बैटरी बॉय ने दिया है, कार्टन ने दिया है या जॉन मैकनी ने दिया है, आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी लिखा करिए, 14 का A, 14 का B, लाइक दिस ऐसे लिख के भेजा करिए ना, तो ऐसे पता चलेगा कि कौन से नंबर का कौन सा आप आंसर्स बता रहे हैं। बताइए ये परिभाषा किसने दी है, ये कोटेशन, ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, आप सभी लोग बी कर रहे हैं, ध्यान से देखिए किसने दिया है, ये बिल्कुल ये इसने दिया है, स्पाइसर एंड प्लेगर ने दिया है आपका परिभाषा। क्या बोला इन्होंने कि जो हमारी बुक कीपिंग है वो आर्ट है, एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन और साथ ही साथ जो मनी मॉनेटरी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उन्हीं को नोट डाउन करते हैं। सभी का गलत आया है, सभी का। अभी आप लोग इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ये बात किसने कही है, स्पाइसर एंड प्लेगर ने कही है। और आप कोई भी पेपर उठा लीजिए किसी भी कॉमर्स में, और डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, तो आपको भी वो परिभाषाएं पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ए होगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर पूछा गया है, अब उसमें पूछा गया था बुक कीपिंग से, पुस्तपालन से, अब इसमें पूछा जा रहा है दोहरा लेखा प्राणी से, मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम से। बताइए ये डेफिनेशन किसने दी थी, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यवस्थित और अव्यवस्थित खातों द्वारा लेखा किया जाता है। बुक डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच अकाउंटिंग इज डन बाय पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ये डेफिनेशन किसने दिया है, विलियम पिकल्स ने, MJ केलर ने, RN कार्टर ने या नन ऑफ द अबव ने दिया है, जल्दी से बताइए। डेफिनेशंस बताइए और आप याद कर लीजिएगा कि बुक कीपिंग पे स्पाइसर एंड प्लेगर ने दिया कि वो आर्ट है जिसमें हम लोग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में ये बोला गया कि वो सिस्टम है बुक कीपिंग का जिसमें हम लोग पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स को बनाते हैं। तो ये बात किसने कही है, हितेश का।
ओके हितेश गौतम का आ रहा है सी, बिल्कुल सही है। आर एन कार्टर ने ये परिभाषा, ये डेफिनेशन दी है, ये आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, पुस्त पालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखा क्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। देखिए, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया कि बुक कीपिंग खत्म होता है तो क्या होता है, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो वेयर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगेन, वर्क एंड्स फ्रॉम हेयर, कौन आपका है, ऑडिट, स्टॉक सर्टिफिकेशन या फिर परचेज। तो ये बहुत इजी है, ध्यान देना है आपको, कह रहा है कि ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अकाउंटिंग वो बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग की प्रोसेस शुरू होती है। एक तो आप ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लेंगे, याद कर लेंगे। तो बताइए कौन होगा, ये बताइए, आपके पास ऑप्शन है ऑडिट, बिल्कुल। देखिए अगर माइंड, अगर आप दिमाग भी लगाएंगे तो बहुत इजी है। आप कुछ सोचिए, स्टॉक नहीं होगा, सर्टिफिकेशन नहीं होगा, ना ही परचेज होगा, ऑडिट ही तो होगा आपका, ठीक है, ऑडिट हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। और साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे, बुक कीपिंग खत्म होता है तो क्या होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस बिगेन्स, बिगेन्स, ये भी ध्यान में रखना है। चार्टेड अकाउंटेंट, जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो सीए होते हैं, वो क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव होते हैं, बताइए। जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या अनस्किल, देखिए अनस्किल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ना ही नन ऑफ द अबव होगा। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे तो आप राइट आंसर्स तक इजिली पहुंच पाएंगे। देखिए सरकारी होते हैं या फिर प्रोफेशनल होते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इजी है इसलिए मैंने आप लोगों को छोड़ दिया कि आप बताएंगे। 17 का सी बिल्कुल सही आया है, क्या होते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। देखिए दो तो ऑप्शन ऑलरेडी जा रहा है आपका, अनस्किल्ड बता रहा है, अनस्किल्ड कैसे हो सकता है, चार्टेड अकाउंट सीए, और साथ ही साथ आपका नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑडिटर नहीं होते, ये आपके प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, ठीक है, पेशेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। जब हम लोग सूचनाओं की, मतलब लास्ट स्टेप बताना है आपको, प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म, चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि लास्ट प्रोसेस है अकाउंट, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का लास्ट स्टेप क्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए लास्ट स्टेप क्या है आपका, पहले कह रहा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का विश्लेषण, विश्लेषण एवं निर्वाचन, या फिर सूचनाओं का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर इन द बुक ऑफ अकाउंट, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि सबसे लास्ट में क्या होगा। देखिए सबसे लास्ट में अगर हम कोई भी चीज करेंगे, अगर प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसकी लास्ट स्टेप होगी, क्या पूछा, कौन सी होगी, तो जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका लास्ट है। बाकी ये आपके लेखा, ठीक है, इससे पहले ये होता है, इससे पहले ये होगा रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, इससे पहले ये होगा प्रिपेयर करना समरी, और साथ ही साथ फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। तो सबसे लास्ट स्टेप पूछा गया था,
ठीक है, फिर क्या है कि सबसे लास्ट पूछा जाएगा, तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सोच भी सकते हैं कि लास्ट स्टेप क्या होगी, जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी सूचना को क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए व्यावसायिक व्यवहारों के परिमाण स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है, बताइए कि द आइटम विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस डीलिंग। ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है कि जब क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, ओनर की जो बिजनेस मैन की जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है उसका क्या रिजल्ट है, बिजनेस में इनकम हो रहा है, एक्सपेंस है, ड्रॉइंग है या फिर कैपिटल है, बताइए क्या है, इनकम है क्या चीज है। बहुत इजी है ये आंसर, तो सभी लोग देंगे। नहीं नहीं सबसे लास्ट स्टेप अगर आपसे पूछा जाएगा तो चीजों को हम लोग कम्युनिकेट करके बताते हैं, लास्ट जो प्रोसेस लास्ट स्टेप आपका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होगी, अगर वृद्धि होगी तो क्या है वो, एक्सपेंस है, इनकम है, ड्रॉइंग है या फिर कैपिटल है, व्यय है, आय है, आहरण है या फिर पूंजी है, जल्दी से बताइए आप। तो वेरी सिंपल, सबसे इजी है आपका क्या, इनकम है। ठीक है, अगर क्या है कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट करने के बाद जो बढ़ रहा है तो वो क्या है, बिल्कुल इनकम है, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट, द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, क्या कह रहा है कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है। ठीक है, जो बिजनेसमैन मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल, गुड्स, प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए कभी कभी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, अभी देखिए एएस के आप गड़बड़ कर रहे थे, बट कुछ कुछ इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप आसानी से बता पाएंगे। 18 का आंसर मैंने बताया था आपको, एक मिनट, यही है सूचना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए इसका बताइए कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया दिया गया धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है, माल कहलाता है, संपत्ति या फिर भवन। बिल्कुल सही आया है, क्या कहलाता है, कैपिटल, पूंजी। नेक्स्ट, पुस्तपालन का अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, अकाउंटिंग इन प्राइमरी बुक्स, ठीक है, अकाउंटिंग इन प्राइमरी बुक्स, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बाद में बनाएंगे ना, अभी तो नहीं बनाएंगे। ये देखिए बुक कीपिंग की बात हो रही है और बुक कीपिंग सबसे पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध लाभ की गणना करना, नेट प्रॉफिट निकालना, देखिए ये कह रहा है नेट प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालने की बात बिल्कुल नहीं होगा। राइटिंग पार्टनरशिप डीड बना लिख देना, नहीं, आपका इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा भी लॉजिक यूज करेंगे तो क्या है, अकाउंटिंग इन प्राइमरी बुक्स, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। गुड मॉर्निंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 में क्रेता को देता है, 200 का अंतर क्या कहलाएगा। एक सेलर जो है वो अपने सामान को, अपने गुड्स को सेल कर रहा है, जो सेल वो है वो 2000 का है, बट बायर को दे रहा है 1800 में, तो ये जो 200 का अंतर है वो क्या है, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, क्रेडिट डिस्काउंट है या बैड डेब्ट है, बताइए।
जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल है ये भी, क्या कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्रेडिट सेल दिया जा रहा है या फिर बैड डेप्ट। देखिए क्रेडिट सेल और बैड डेप्ट तो नहीं होगा, इन दोनों में ही कोई होगा, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो या तो हमें कैश देने पे डिस्काउंट मिलता है, या तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी चीज को बल्क में ले रहे हैं, जब किसी चीज को ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ज्यादा बल्क में ले रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जब आप कभी भी कोई सामान लेने जाएंगे और आप कुछ ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप 5 पेन लेने जा रहे हैं, वहां पे आप 20 पेन ले लेंगे, तो आपको वो ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक है, ज्यादा बल्क में लेने पे, तो ये आपका हो जाएगा व्यापारिक छूट, ये छूट हो जाएगा जो कि आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? राइट आंसर सरिता कुमारी का आया भी है, ट्रेड डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है, आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट टेकिंग चार्ज, किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है, मतलब कि चार्ज लेना है, ऑथेंटिसिटी, पर्सनल ओनरशिप या फिर कोई नहीं। ये भी बहुत सिंपल है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, बताइए किसका है जिम्मा लेना, किसका है टेकिंग चार्ज। देखिए बहुत सिंपल है, मैं ही बता देती हूं, ऑथेंटिसिटी नहीं होगा, ना ही पर्सनल ओनरशिप, कौन होगा, स्वामित्व का काम है क्या, जिम्मा लेना मतलब कि चार्जेस लेना। राइट आंसर विल बी सी, बिल्कुल सही है आदित्य का। नेक्स्ट, लेखांकन का प्रमुख कार्य होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, चलिए बताइए, आर्थिक समंकों का अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेटा, कार हेतु सूचना आदान प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस ऑफ वर्क, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकृत एवं अभिलेख करना, या फिर गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि नॉन इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना, ये तो नेगेटिव बिल्कुल बोल दिया गया, बताइए क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। चलिए वो हो गया ओनरशिप वाला हो गया, नेक्स्ट आप इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, बहुत सिंपल है, ये भी आप आंसर दे पाएंगे, आराम से दे पाएंगे, सी आ रहा है आदित्य का, बिल्कुल सही है। क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ठीक है, चलिए सिंपल, और इस टाइप के आपके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, लेजर क्या है, जनरल क्या है, ये आपको उनके फंक्शंस, मेन फंक्शंस, यूजेस, चार्ट, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे चीजें आती रहेगी क्वेश्चंस करवाऊंगी और साथ ही साथ बताती भी चलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है, देखिए कौन सा सही है, बताइए क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, देखिए मैं आपको बता दे रही हूं पहले, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये आपका होता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात बिल्कुल सही कही गई है, ऑप्शन है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, आप बस ये याद रखा करिए, उसके बाद आप माइनस प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, पहला ऑप्शन इरेज हो गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये सही हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका ये सही चला जाता। नेक्स्ट, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, बिल्कुल सही है, अगर कैपिटल कह रहा है कि असेट्स माइनस लाइबिलिटी है, ठीक है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कैपिटल, तो देखिए यहां तो साइन ही नहीं लगा है कुछ भी, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स प्लस कैपिटल, ये भी आपका गलत है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल का बिल्कुल सही आया है कि जो कैपिटल, देखिए सिंपल आपको ये याद है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैपिटल इधर हो गया, ठीक है, या आप कर लीजिए कि एसेट्स आपका यहां है, असेट्स आपका यहां है, इसको यहाँ कैपिटल है, कैपिटल आपका ये लाइबिलिटीज यहाँ पे प्लस में है, इधर आ जाएगा तो आपका लाइबिलिटी माइनस में आ जाएगा और आपका हो जाएगा कैपिटल, तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी,
बी बिल्कुल सही, आपको ये याद रखना है, ये काफी टाइम पूछा गया है, आगे पीछे करके पूछ लेते हैं, बट आपको सिंपल पहले ये याद रखा करिए, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये याद रहेगा तो आप उसको आगे पीछे करके आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, क्या है? पर्सनल है, रियल है, अनरियल है, या फिर नन ऑफ द अबव है? और आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, जल्दी से बताइए, पहले ये बता दीजिए, देन मैं आपको जो आंसर होगा उसके रूल्स रूल भी बता दूंगी आप लोगों को। गोल्डन रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ए बिल्कुल सही आपका आ रहा है, पर्सनल अकाउंट, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये याद रखना। और रियल क्या क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, ठीक है। तो आपके पास पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो चीज रिसीव होगा वो डेबिट होगा, जो चीज दिया जाएगा वो क्रेडिट होगा, क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल यही है, और हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्लियर हो गया है? चलिए, साथ ही साथ आप लोग रूल भी याद रखा करिए, मैंने रियल का भी बता दिया है रूल, बाकी इसका मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है, कौन सा सही दिया गया है? परिसंपत्ति इक्वल्स टू स्वामी की इक्विटी, परिसंपत्ति इक्वल्स टू दायित्व प्लस स्वामी, ये देखिए यहां पे दिया है असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, जिसको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो, हिंदी में दिक्कत हो, लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो देखिए सिंपल आप लोग बताते चलिए। नेक्स्ट, तो देखिए आपके पास इसको भी आप कर लीजिए, असेट्स असेट असेट, परिसंपत्ति असेट्स आपके हो गए, दायित्व आपका लाइबिलिटी है, स्वामी की इक्विटी आपका ओनर्स कैपिटल है। तो अभी मैंने आपको बताया था असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, हाँ ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट कॉस्ट एंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWA, बताइए ICWAI क्या दिया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहां पर है, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, या कोलकाता में? और साथ ही साथ आप इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे, एग्जैक्ट डेट भी आप लोग बताएंगे कहां पे है, और आप इसकी डेट भी बताएंगे। चलिए देखिए, कब हुई थी, 28 मई 1959, ये भी याद रखना है, इसको याद रखिएगा, 28 मई 1959, और ये आपका राइट आंसर किसने दिया है, कमल ने दिया है, बिल्कुल सही आया है आपका, डी हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में है, ठीक है, कहां पे हेड ऑफिस है इसका, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है, किसका, ICWAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ओ सॉरी, ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, बताइए फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत इजी है, J.R. बैटली बॉय, लेविस प्रथम को, फर्स्ट को, या लुइस पैशियोली जी, लुकस पैशियोली, पैशियोली और फिलिप कोटलर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम,
आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? हेलो कमल का बिल्कुल सही आ रहा है, लुकस पेशियोली को। ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ अकाउंट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सी। चलिए यहां टू द पॉइंट फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है, फैक्ट बेस्ड है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है? देखिए फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का, कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा फंक्शन नहीं है? क्या कह रहे हैं? लाभ अधिकतमीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना, ज्यादा करना, वैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करना, मीट स्टैच्युटरी रिक्वायरमेंट, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, प्रोटेक्ट बिजनेस के एसेट्स को की रक्षा करना। ठीक है, ये क्लास आपकी लखनऊ से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना, रिकॉर्ड्स करना, ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड्स करना। तो देखिए क्या है, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सही आ रहा है इन मोस्टली, आप कमल के सारे आंसर आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, मोस्टली आपने जितने भी अभी तक आंसर्स किए बिल्कुल सही है, और कुछ और भी लोग हैं उनके भी आंसर सही हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसको ज्यादा, मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा दिखाना, ये कोई फंक्शन अकाउंटिंग का नहीं है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपसे कथन में बोला गया है कि जो लेखांकन है व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है। भाई बिल्कुल सही कहा गया है कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया रीजन क्या कह रहा है आपसे, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट में आपको ये कहा गया है कि अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्म बिजनेसमैन को एक इन्फॉर्म जरूरत पे बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं सभी लोग, धरना दे रहे हैं। देखिए क्या अब आगे सिचुएशन, आगे कैसे चीजें होती है। इससे पहले में मैंने किया है कुछ चीजें, बट उसको वो अलग का पार्ट है। अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभी पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ लीजिए, वो टॉपिक बाद में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी बात बिल्कुल सही कही गई है, आप लोग बताइए। देखिए आपका बी आंसर आ रहा है, बी में कह रहा है कि दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं, देखिए दोनों अकाउंटिंग से रिलेटेड है, एक में बोल रहा है कि उसके वो भाषा है, एक में कह रहा है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को। तो ये आपकी दोनों बात बिल्कुल सही है और साथ ही साथ आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इन आ बिजनेस नेट एसेट्स ऑन जैन, क्या कह रहे हैं, नेट एसेट जो जनवरी 1 का था वो 6000 था एंड ऑन 31st जनवरी का आपका 7500 रुपए था। इफ द विड्रॉल्स बाय द ओनर, ओनर के थ्रू उन्होंने पैसा निकाला, विड्रॉल किया जनवरी में ही 1000 रुपए, द नेट इनकम फॉर जनवरी इज, आपको नेट इनकम निकालना है। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक टेंशन बनी है कि आगे क्या डिसीजन आता है, बट आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान में साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी बोल दिया गया है कि प्राइमरी से बीएड वाले बाहर है, तो अभी आप लोगों के पास टीजीटी पीजीटी का जो ऑप्शन है उस पर आप लग के तैयारी करके आप नौकरी पा सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर आप यूपी से होंगे तो आप चाह रहे होंगे कि सुपर टेट की वैकेंसी आए, तो अभी तो कुछ चांसेस बने नहीं है, तो अभी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो डिसीजन आएगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे है तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी आप पढ़ लीजिए। मैं समझ रही हूँ कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको तो आप यूटिलाइज कर लीजिए, जो नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं सभी लोग, प्रयास कर रहे हैं, पर देखते हैं आगे क्या होता है, बट जो है उसको तो आप अचीव कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी अभी आप लोग ये टीजीटी पीजीटी पे ध्यान दे दीजिए, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 31 जनवरी को कितना था आपकी कुल संपत्ति, आपकी 7,500 रुपए थी। उसमें से आपने विड्रॉल किया, कितना विड्रॉल किया, 1,000 रुपए विड्रॉल किया, तो आपका हो गया 8,500 रुपए हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपने कह रहा है कि जो नेट एसेट जनवरी फर्स्ट की थी, फर्स्ट जनवरी की कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपए, 6,000 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,500 रुपए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2,500। अच्छा ऐसा क्या, क्यों टीजीटी पीजीटी नहीं चाहिए आपको? ठीक है चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा था कि 31st को जो थी वो 7,500 रुपये, वो 7,500 रुपये थी, और विड्रॉल कितना किया, 1,000, इन दोनों को ऐड किया तो आपका हो गया 8,500 रुपये। और फिर 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को जो कुल संपत्ति थी 6,500, उसको जो माइनस किया तो 6,000, हाँ सॉरी 6,000, तो उसको माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 2,500, जो आपका राइट आंसर है बी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, कौन सी करंट लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक है देखिए जो है वो आप ऑप्शन में लर्न कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो नहीं है वो नहीं है तो वो कहाँ लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइए कौन सी करंट लाइबिलिटीज नहीं है, बिल्स पेबल्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डेट डिबेंचर्स। बताइए क्वेश्चन के साथ लिखिए आंसर, और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ठीक है आप नेट जीआरएफ के करिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड ऑप्शन है बट ऑप्शन तो है ना, ये आप सोच के चलिए कि ऑप्शन तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, मौके तो है, यही सबसे अच्छी चीज है कि आपको मौके मिल रहा है, यही मौके ही को तो लेना है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कोई एग्जाम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, आप जिसमें जिसको जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है अपना बेस्ट दीजिए, दैट्स इट, अपना बेस्ट दीजिए और जॉब लीजिए, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो बिल पेबल्स हमारी याद कर लीजिए सभी लोग, क्या होगा बिल्स पेबल जो है, बीपी जो है हमारा बिल्स पेबल है, ये हमारा करंट लाइबिलिटी है। बट आपका जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है इट इज नॉट अ, ये आपका नहीं है, बट क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटर आपका है। तो देखिए अब देखिए आपको क्या ये नहीं है, तो आप बताएंगे क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस वो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड शो नहीं किया जाता है। क्या ये बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में शो नहीं किया जाता है, ये कहाँ लिखा जाता है, ये बेसिकली फुट नोट में होता है, स्टेटमेंट के फुट नोट पे में होता है। ठीक है ये पता होना चाहिए, क्यों क्यों, क्योंकि इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में शो नहीं किया जाता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी फुट नोट में, स्टेटमेंट के फुट नोट में शो किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, मैं आप लोगों को बता दी हूं। नेक्स्ट बाकी आपका बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, और ये आपका करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड जो आपका इंश्योरेंस है वो क्या है आपके लिए, एक एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, बहुत इजी है, आपकी एक संपत्ति है, दायित्व है, आय है या व्यय है। भी बिल्कुल राइट है, और राइट इसलिए भी है, ये भी पता होना चाहिए, राइट इसलिए है क्योंकि उसको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में शो नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी गलती से कंटिंजेंट लाइबिलिटी को शो मत कर दीजिएगा बैलेंस शीट में, गलत हो जाएगा, वो फुटनोट में लिखा होता है। ठीक है स्टेटमेंट के फुटनोट में लिखा रहता है। अब बताइए कि प्रीपेड जो इंश्योरेंस अकाउंट है ये क्या है, एक संपत्ति है, आय है, अव्यय है या फिर दायित्व है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी सी बिल्कुल सही आ रहा है, एक संपत्ति है, आप हम प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एक संपत्ति है, असेट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका रूल है। अब आपको बताना है कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन सा है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल, सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन भी लिखा करिए कमल जी, आप जो भी है आप अपने साथ ही साथ आंसर के साथ क्वेश्चन को मेंशन किया करिए तो पता चले। ठीक है, बताइए पर्सनल अकाउंट कौन सा है। तो आपका अगर सैलरी जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट किसी भी पर्सन का होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। साथ ही साथ आपका ड्रॉइंग भी आपका पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग जितने भी आउटस्टैंडिंग लिखा होगा वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही आता है, पर्सनल अकाउंट में ही आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारी बात सही कही गई है। एक आपका आंसर गलत आया है, ये आपने बी लिखा है और बी आपका आंसर नहीं होगा। ऑल ऑफ द सारी चीजें आपकी पर्सनल अकाउंट है, ध्यान दीजिए। देखिए सैलरी अकाउंट है, अगर सैलरी अकाउंट है तो किसी पर्सन की होगी, किसी इंडिविजुअल की होगी तो पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग आप किसी, हम अपने पैसे निकाल रहे बिजनेस से, हम अपने अपने लिए निकाल रहे तो ये मेरे खर्चे है, ड्रॉइंग है तो ये भी आपका मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए किसी, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, दोनों को मौका मिलना चाहिए, ये इसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा होगा। आप ये मत सोचिए हमारे और आप जैसे कितने करोड़ लोग ऐसे इसके लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल मौका देना चाहिए। अब देते हैं कि नहीं अब आगे देख लीजिए, अभी आप ध्यान से क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा, जिन्होंने भी जो सिर्फ बीबी कर रहे हैं उनका गलत है। देखिए सैलरी अकाउंट भी पर्सनल है, ड्रॉइंग अकाउंट भी और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट है, ये सभी आपके पर्सनल अकाउंट है। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन में पूछा गया कौन सा नहीं है, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये बात सही है कि जो हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एक सीक्वेंस में करते हैं, व्यवस्थित रूप से करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना ये भी करते हैं। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, मतलब परिणामों को अधिकतम करना, जो रिजल्ट आया है उसको ज्यादा कर देना। देखिए कह रहे कौन सा नहीं है, तो हमें अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था जिसमें कह रहे थे कि ज्यादा करके दिखाना, ठीक है बोला गया था ना, इसमें कह रहे मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट दिखाना, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। बाकी लीगल रिक्वायरमेंट ये आपका सही है, तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा, क्लियर हुआ है। ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा दिखाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, यहां पे आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। चलिए, तो एसेट्स इजकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है, एसेट्स इजकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए एसेट्स इजकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, संपत्ति प्लस इजकल टू दायित्व प्लस पूंजी, बिल्कुल सही है। कैपिटल इजकल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल अगर आप यहाँ पे ये लाइबिलिटी यहाँ है, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में चला जाएगा, और ये कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, बिल्कुल सही है। लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, गायब है यहाँ पे कुछ, और लाइबिलिटी यहाँ पे कुछ गायब है तो उसको तो छोड़ दीजिए, प्लस या माइनस क्या लिखा है पता नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखिए लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स प्लस कैपिटल, ये तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा, बट यहां देखिए लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल, क्या हो जाएगा, तो ये बात आपकी गलत कही गई है क्योंकि ये सही होगा, आपका ये सही होगा, लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, ये सही है बट ये आपका गलत है।
ठीक है, ये आपका गलत है। सिंपल आप इसको याद रखा करिए और आगे पीछे करेंगे और आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो लोग सी कह रहे हैं ऑप्शन इसमें गायब, अच्छा 36 का कह रहे हैं आप, चलिए ठीक है। तो गलत क्या लिखा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट सही है कि लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल होता है, ये बात गलत है कि लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुड विड्रॉल बाय अ प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए, व्यवसाय के माल निकालने पर क्रेडिट किया जाता है, तो देखिए इसका जो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अगर हम पर्सनल अकाउंट, देखिए ये याद रखना, अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो आपका ड्रॉइंग में जाता है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो जब हम गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो उसकी ड्रॉइंग से एंट्री होगी। ठीक है, ड्रॉइंग लिख के करेंगे। हाँ, तो देखिए ड्रॉइंग अकाउंट, अगर यहां पे पूछा जाता है कि किसको डेबिट किया जाता है, तो डेबिट होता तो ड्रॉइंग अकाउंट होता, बट यहां पे आपसे क्रेडिट पूछा गया है, तो क्रेडिट आपका परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय खाता। सही आया है सभी लोगों का, बीबी, सभी लोग बीबी कर रहे हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ASBI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1977 में हुआ था। अब आपको बताना है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है, वन बताना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साथ ही साथ आप लोग देखते रहेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू है। डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है। और आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन है। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आया है खुशबू गुप्ता का, राइट आंसर आपका हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, आपका रिलेटेड है लेखांकन नीतियों के प्रस्तुतीकरण से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, डेप्रिशिएशन सिक्स से रिलेटेड है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन है, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कौन सा है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये थे आपके 14 क्वेश्चंस, टोटल आपके 40 क्वेश्चंस थे जिसको आप लोगों ने देखे। तो देखिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा हर एक एग्जाम में TGT PGT किसी भी अदर स्टेट में भी, अगर कहीं का भी है तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, बहुत बच्चे कह रहे थे कि बाद में देख लेंगे, तो बाद में देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी के आगे कल कुछ और टॉपिक लेके आऊंगी जिसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।